मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी एक कहानी आपने पढ़ी थी, लोटे में हाथी। अकबर बीरबल की सीरीज में लोटे में हाथी आपको एक मैंने पार्ट वन पहला भाग मैंने आपको सुनाया था। आज मैं आपको उसी कड़ी में उसका दूसरा पार्ट, फिनिशिंग पार्ट सुनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको याद होगा कि कैसे एक दिन बीरबल जो है दरबार में देर में आए, तो दूसरे दरबारियों ने, नौ रत्नों ने उनकी चुगली अकबर से की कि ये तो लेट आते हैं, आप इनको कुछ नहीं बोलते हैं और देखिए मनमानी करते हैं। तो बीरबल भी चिढ़ गए, उन्होंने बाद में उनसे पूछ लिया कि भाई क्यों लेट हो गया। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी मचल गई थी। तो इस बात पे सारे दरबारी बहुत ज़ोर से हंसे और बीरबल को भी, अकबर को भी लगा कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को बुला लीजिए। उन्होंने बुला लिया, फिर बेटी आई, बेटी को उन्होंने फिर मनाने की कोशिश की, बेटी रोने लगी, मनाने लगे और रोती रही। फिर बोली ये हाथी जा रहा था, उसने कहा ये हाथी जो है इस लोटे में रख दीजिए, उसको एक लोटा दे दिया था, भले इसे ये। तो उन्होंने दूसरा ये ले लो खाना का खिलौना, दूसरा ले लो, उसने लेकिन वो तो मचल गई, बोले मैं तो ये वाला हाथी इस लोटे में चाहिए मुझे। अब बादशाह अकबर को बहुत पसीने छूट गए कि बच्ची को मनाना, पहले तो बड़े खुश होकर कर रहे थे लेकिन ऐसा कर हो नहीं रहा था, तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने नौ रत्नों में से आठ रत्नों की तरफ देखा तो वो भी बेचारे मुँह लटकाए, बहुत परेशान, क्या क्या करें क्या नहीं करें। अब मैं आपको आगे की बात सुनाता हूँ। जब बीरबल ने ये सब देखा कि उनकी बेटी जो है रो रही है और कह रही है कि ये हाथी मेरे को इस लोटे में दे दो, जो उसको लोटा दे दिया था, तो उसने बादशाह के पास जाके बोला, हुजूर गुस्ताखी मुआफ़ हो, अगर आप कहें तो मैं इस बच्ची को मनाऊं। तो अकबर तो बहुत पैसे परेशान हो गए थे बेटी से, उन्होंने कहा हाँ भाई तुम जल्दी से ले लो इस बेटी को और तुम चुप कराओ कैसे करते हो। तो उसने ले लिया उनकी गोदी से, अपनी गोदी में ले लिया बीरबल ने अपनी बेटी को, और वो उसको कहने लगे बेटी बेटी देखो अभी देखो ये हाथी है ना। तो बोल दी हाँ। तो बोले मुझे ये वाला हाथी इसी लोटे में चाहिए, उसके हाथ में लोटा था, बोले मुझे इस लोटे में चाहिए ये वाला, ये हाथी चाहिए इसमें। तो बीरबल बोले बेटिया चुप हो जाओ, देखो एक बात है, ऐसे नहीं आता हाथी, ऐसे तुम पहले आँखें बंद करो। बोले क्यों? बोले आँखें बंद नहीं करोगे तो लोटे में हाथी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता, वो जादू से आता है। तो बोली तो अच्छा आ जाएगा? बोला हाँ आ जाएगा, तुम आँख बंद करो, आँख बंद करो। उसकी आँख बंद करवाई और उसके बाद एक आदमी से बोला इस हाथी को जल्दी से यहाँ से भगा दो। जो आपने दीवाने आम देखा होगा आगरे में, वहाँ की बात है ये, वहाँ पर बैठ के ये बात हो रही थी। वो दीवाने आम के चारों तरफ रास्ता है, वहाँ से हाथी जा रहा था, महावत उसको लेके जा रहा था, इसलिए उसने देख लिया, वो बोली कि हाथी इसमें चाहिए। अब उसको बोला कि भाई तुम जाके इसको जल्दी से बाहर भगाओ, भगाओ दो यहाँ से। और जो उसको दूसरे आदमी को बोला जल्दी से रबर का हाथी लाओ, रबर का हाथी खिलौने वाला, काला बिल्कुल ऐसा ही, महावत बैठा हो जिसके ऊपर। तो वो एक आदमी गया, जल्दी से उसको भगाया और दूसरे आदमी दौड़ के जल्दी से एक अरेंजमेंट किया, उससे बोले बेटिया अभी आ रहा है, देखो आ रहा है, उसको ऐसे बोलते रहे। और फिर जब वो हाथी आ गया तो उन्होंने वो हाथी उस लोटे के अंदर रख दिया, और रखने के बाद बोले बेटी अब आँखें खोलो धीरे धीरे, देखना अब जल्दी से मत खोलना नहीं तो हाथी निकल के भाग जाएगा, लोटे में ही रह गया, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे खोलो। उसने धीरे धीरे आँखें खोली, सारे दरबारी एकदम सांस रोक के बैठे थे, बादशाह भी देख रहे थे क्या होने वाला है। जैसे ही लड़की ने धीरे धीरे आँख खोली तो देखा अरे हाथी इसके अंदर, ओ कितनी खुशी की बात है, बहुत ताली बजाने लगी और बोले बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए बादशाह आपने बोला था कि कैसे बेटी को मनाने में बहुत टाइम क्यों लग गया, तो आज आपने देख लिया हमारी बिटिया कितनी खुश है लोटे में हाथी पाके, अब इस बिटिया को मैं भेज देता हूँ घर और आपकी ऑफिस में बैठ जाता हूँ, आपके दरबार में बैठ जाता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने उसको
बादशाह को बता दिया और बादशाह भी उनकी बात का लोहा मान गए, हाँ भाई तुम बचा सकते, तुम ही मना सकते हो बच्चों को, हमसे तो नहीं होता है। और अपने आठ रत्न बोले तुम लोग क्या करते रहते हो, तुम्हें ऐसे ऊट पटांग मुझे सलाह देते हो, देखो कैसे उन्होंने मना लिया। तो इस तरीके से लोटे में हाथी पूरा ही चला गया और यह एपिसोड खत्म हो गया। हमें सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमेशा जो भी वीडियोज आए उनसे उनको देखिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।